देश के बुनियादी मुद्दे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों विषय को लेकर एक बार फिर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने वाले हैं, जिसकी जानकारी आज प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से जानकारी दी। राजेश ठाकुर ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से 14 जनवरी को होगी। यह यात्रा झारखंड से 2 से 5 फरवरी तक पहुंचने की संभावना है। वहीं उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर तंज कसते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री फोटो शूट में लगे हुए हैं। जब हम अपनी बातें रखना चाहते हैं तो हमारे सदन के सदस्यों को बाहर कर दिया जाता है। पीएम भी मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ने का काम करे। लोकतंत्र की परिभाषा बदली जा रही है, जिसकी वजह से राहुल गांधी ने इस यात्रा को निकालने का काम किया है। इस पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी 8 दिनों तक झारखंड दौरे पर रहेंगे। ठाकुर ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की यात्राओं से बीजेपी के आईटी सेल घबरा चुकी है। न्याय यात्रा के संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं, उस निमित्त तैयारी करने से पहले आप लोगों से रूबरू होना आवश्यक था, क्योंकि ये जो जन जन तक संदेश पहुंचाने का है, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्यों और किस लिए हो रहा है, उन सारी बातों को आप झारखंड के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। उस निमित्त आज हम लोगों ने फैसला किया कि सबसे पहले आप लोगों से रूबरू हों और बताएं कि कैसे क्या हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से मणिपुर की घटना लगातार हो रही है, जो महिलाओं के साथ हुआ वह सब आप जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है, और जिस तरह की स्थिति वहां बनी हुई है, आज भी प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, उसको कहीं ना कहीं इग्नोर करने का प्रयास करते हैं। उस निमित्त हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने तय किया कि मणिपुर के लोगों को न्याय दिलवाने के लिए मणिपुर से हम लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे, और 14 जनवरी से उस यात्रा की शुरुआत होगी, जिसमें हमें भी भाग लेना है। वहां से शुरुआत होने पर उस दिन हम लोग मणिपुर जा रहे हैं, और वहां से फिर गाड़ियों के काफिले के साथ पदयात्रा करते हुए उनका झारखंड भी आगमन होगा। हम लोग अपने नेतृत्व आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी का, और अपने प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए झारखंड को 8 दिन का समय दिया है, और आदरणीय राहुल गांधी जी 13 जिलों से होकर गुजरेंगे। आप जानते हैं कि संविधान और जो झारखंड में तांडव चल रहा है, निश्चित रूप से हमारा नेतृत्व इन सारी चीजों से को गंभीरता से लेता है, और आदरणीय राहुल गांधी ने इस बात को समझने का काम किया है कि जो झारखंड में रहने वाले लोग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। जो सरकार हमारी है और जिसके मुखिया हेमंत सोरेन जी हैं, जिसमें हमारे सबसे सीनियर नेता विधायक दल नेता ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम साहब हैं, डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी हैं, बन्ना गुप्ता जी हैं, बादल पत्रलेख जी हैं, लगातार ये चाहते हैं कि जनता के
पास उनकी योजनाएं पहुंचे और इस निमित्त सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि जनता को उसका वाजिब हक मिल सके। लेकिन आप सब जानते हैं कि जब हम कोई इस तरह का कार्यक्रम जब देना चाहते हैं, जनता को के लिए कुछ करना चाहते हैं, वैसे समय में कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसियां, जो स्वतंत्र एजेंसी है, वो गुलामों की तरह व्यवहार करते हुए और उस काम में बाधा पहुंचाने का काम करती है। चाहे पहले हम लोगों ने एक यात्रा निकाली थी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सारे मंत्रीगण हम लोगों के पास जा रहे थे, आज से ठीक 6 महीने पहले, तब भी वही तांडव चालू हुआ था। और फिर आज एक बार सरकार जब घर घर जाने लगी तो फिर से एक बार तांडव चालू हुआ है। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री सह कांग्रेस विधायक दल नेता आलमगीर आलम ने कहा कि 14 जनवरी से शुरू होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है। यह यात्रा झारखंड में 2 बार होकर गुजरेगी। राज्य के लोग इस यात्रा में शामिल होने के लिए व्याकुल हैं। राज्य में हर 4 से 5 किलोमीटर पर मंत्री और विधायकों को यात्रा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह यात्रा 2024 के लिए निर्णायक होगी। यात्रा के रूप में हमने यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं कि हम लोग का जो यात्रा नए यात्रा 14 जनवरी मणिपुर से लेकर बॉम्बे तक लगातार चलते रहेगा। इसी कड़ी में झारखंड के 2 बार यहाँ पर यात्रा का शुरुआत होगी। पहला चरण जो है मुर्शिदाबाद से किसी जिला में वहाँ से शुरू करके फिर जमशेदपुर होते हुए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ होते हुए फिर दोबारा पलामू टाटनगढ़ की तरफ आई। आज हम लोग इस प्रेस यात्रा के तहत हम पूरे कांग्रेस पार्टी के जहाँ भी जिस क्षेत्र में हमारे लोग हैं उनको भी हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, जो सम्मिलित होने के लिए व्याकुल भी हैं। आपने पिछले दिनों भी देखे थे कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस कदर झारखंड के लोग एक जगह नहीं कई एक स्टेट में जाने की काम किया है, हमारे छोटे से छोटे से वर्कर पूरा यात्रा का शुरुआत करके अंत तक यहाँ पर किया है। ये यात्रा एक निर्णायक 2024 के पहले एक निर्णायक जो है लोगों के बीच में जाकर निर्णय लेने के काम करेंगे। ये यात्रा सामाजिक न्याय के लिए, ये यात्रा उन चीज़ों के लिए जो मूलभूत सुविधा जो जनता के बीच में आज तक काम नहीं पाया है, ना उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का नेताओं या प्रधानमंत्री ने कभी इस बात को कभी उजागर नहीं किया। आज सामाजिक न्याय से लेकर हम कहते हैं कि हर चीज़ के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार कभी भी इस पर कोई जवाब देने से आगे बढ़कर नहीं आया। किन कारणों से आज किसानों लोग जो है जो दोहरी लाभ क्यों नहीं पहुंचा? आप खुद ऐलान किए थे, आपने कहा था कि हर लोगों को हिंदुस्तान के हर घरों में छाद रहेगा, लेकिन आज तक 2022 से लेकर अब तक जो झारखंड में भी आप आवास नहीं देने के काम के, इस तरह बहुत सारी स्टेट में। तो ये यात्रा बहुत ही निर्णायक यात्रा होगा और मैं समझता हूँ कि इस यात्रा से जो कमी है समाज के अंदर, जो कमी है, इस बात को राहुल जी गंभीरता से लेंगे और आने वाले समय में इस बातों को करने के लिए एक बात होकर काम करने के हम लोग कोशिश करेंगे। बताते चले कि लोकसभा से पूर्व राहुल गांधी का झारखंड का दौरा महागठबंधन के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में एक तरफ जहां बीजेपी 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी का न्याय भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होगी।